वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी त्रिपिटक। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्ट करेंगे और बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम वनडे एग्जाम्स वगैरह होता है उसके लिए हम लोग एक अलग से चैनल बनाए हैं जिसपे हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम लूसेंट वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो रट्टू वाला कॉन्सेप्ट, वो सारा हम उसपे कराएंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज ही चलाएंगे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम में अब एनसीईआरटी को कंसिडर किया जाता है, बट सीटीईटी वालों के लिए बड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बाकी अब आप देखते ही हैं एसएससी वाले हो या बीपीएससी, खुद पीटी में जो है अब पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है, लूसेंट या क्राउन से नहीं पूछ करके एनसीईआरटी को घुसाया जा रहा है, तो दोनों को ही साथ लेकर के चलना है। तो हम आज पहला चैप्टर जो है इसमें हम पूरा का पूरा, चाहे वो हिस्ट्री हो यानी पूरा एसएसटी और 10th तक का पूरा साइंस भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि आज हम क्या स्टार्ट ले रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर वन, किसका, क्लास सिक्स का, ठीक है, क्लास सिक्स का चैप्टर वन हिस्ट्री, इसी को हम शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, देखिए चैप्टर का नाम है, अच्छा ये जो चैनल है ये बाइलिंगुअल मोड में चलेगा, हिंदी भी होगा इंग्लिश भी होगा, दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है वो समझते हैं, व्हाट मतलब क्या, वेयर यानी कहाँ, हाउ कैसे, एंड व्हेन मतलब कब, तो यही इस चैप्टर का नाम है। अब ये इसके कुछ टॉपिक्स हैं, आप लोग को एक बार हम टॉपिक बता दें, जैसे व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, ठीक है। इसके अलावा वेयर डिड पीपल लिव, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, व्हाई डू पीपल ट्रेवल, हमने कहा वेयर डिड पीपल लिव, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, यहाँ पे टी छूट गया है, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यहाँ पे है। इसके अलावा व्हाई डू पीपल ट्रेवल, मगध जनपद और महाजनपद, ओके, नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नेम ऑफ द लैंड, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, वन पास्ट और मेनी, व्हाट डू डेट्स मीन। तो यहाँ पे ये कुछ कितने टॉपिक हैं, 10 टॉपिक है लगभग। तो हो सकता है हम इसको दो वीडियो में कंप्लीट करें या इसी वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दें। तो शुरू करते हैं, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा एक एक कर करके। सबसे पहले कहता है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, मतलब हम भूत के बारे में, भूतकाल के बारे में, भूत मतलब वो घोस्ट वाला भूत नहीं, हम भूतकाल के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो कहते हैं कि आखिर क्या क्या जान सकते हैं, तो वहां देखिए हम लिखे हुए हैं, हम ऑक्यूपेशन के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन के बारे में जान सकते हैं, और लोगों के रहन सहन, रोटी कपड़ा मकान खेलकूद, है ना, गाना, है ना, ये पेंटिंग, ये सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। हमने कहा रोटी कपड़ा मकान खेलकूद, उसके अलावा क्या होगा, पेंटिंग गाना, है ना, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कल्चर में ये सब आ जाएगा आपके, और ऑक्यूपेशन के बारे में फिर बात करते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव, तो नर्मदा वगैरह। अब हम लोग शुरू करते हैं पहला वाला टॉपिक से, एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे समझाते चलेंगे। देखिए सबसे पहले हुआ कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हमने सोचा इसमें एक लड़की एक पूछती है कि कोई करोड़ों साल पहले के बारे में क्या जान सकता है, कैसे जान सकता है, तो हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। तो देखिए ऑक्यूपेशन के बारे में, उस जमाने में लोग क्या क्या काम करते थे, हम इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है, पुराना सामान को देख करके, एडिक्स वगैरह को देख करके जान सकते हैं, कोई मतलब आर्कियोलॉजी अगर, यानी पुरातत्व अगर है, कोई पुराना सामान है, पुरातत्व मतलब क्या होता है बाबू, पूरा मतलब पुराना, तत्व मतलब सामान, ऑब्जेक्ट जिसको हम कभी यूज किए हो, हम मतलब आदिवासी के बारे में बात कर रहे हैं, आदिमानव के बारे में बात कर रहे हैं, आदिवासी नहीं आदिमानव। चलिए तो हमने कहा कि इन सभी चीजों को देख करके हम जान सकते हैं ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन कितने तरीके का होता था उस जमाने में। तो देखिए ऑक्यूपेशन यानी पेशा किस चीज पे डिसाइड किया जाता है, कि आपको क्या चाहिए उस पे ही आपका ऑक्यूपेशन निर्भर करता है, आपका व्यवसाय इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, अगर किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर किसी को पैसा बहुत ज्यादा चाहिए तो उसको प्राइवेट जॉब चाहिए, है ना, वो प्राइवेट फील्ड में अच्छे से काम करेगा। वैसे तो हम चाहे तो गवर्नमेंट जॉब में भी लोग घूस ले लेते हैं, मगर वैसे अब इस तरीके से करना सही नहीं है, ठीक है, अब लोग मतलब धीरे धीरे ये सब चीजें कम हो रही है। तो इस तरीके से कि आपको क्या चाहिए, इसी बेसिस पर किसी का नीड कितना है, किसी का जरूरत कितना है, इसी के आधार पर हम लोग अपना ऑक्यूपेशन चूज करते हैं। तो बात चल रही है आदि मानव काल की, ठीक है, उस जमाने में कब, पैलियोलिथिक पीरियड, ये सब जो जमाना था उस जमाने में। तो बाबू
इन लोगों को खाने के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट तो दिमाग में था ही नहीं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, इतना बड़ा अमीर होने चाहिए, इस तरीके का कुछ नहीं। बस हमको जब भी भूख लगे हमको खाना मिल जाना चाहिए। इसी बेसिस पे जो है आदि मानव का काम शुरू होता है। कुछ काम ये लोग किस लिए करते थे? जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि खाने के लिए ये लोग जीते थे। जिंदा रहने के लिए नहीं खाते थे, खाने के लिए जीते थे। बस जिंदा है तो खा रहे हैं, है ना, खा रहे हैं इसीलिए जिंदा है, ठीक है। और खाना के ही मतलब खाना को कलेक्ट करने के लिए, हर दिन मील को अफोर्ड करने के लिए ये लोग अपना ऑक्यूपेशन चूज करते थे। तो पहला ऑक्यूपेशन जो हम लोग देखते हैं वो समझिएगा, ये क्या करते थे आदि मानव क्या करते थे कि जैसे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रह रहे हैं, ये एक साथ, ऐसा नहीं है कि एक साथ जाकर के उठ के बैठेंगे, ऐसा नहीं है। अब जहां भी देखिए, अगर हम यहां से कहीं और चले जाएं तो वहां भी तो लोग कुछ होंगे ना, तो उसी तरीके से सब लोग अपना रहता था एक जगह पे। कहां कौन से जगहों पे रहेगा ये लोग, तो ये लोग चूज करते थे कि जहां पे जंगल होना चाहिए, ताकि जंगल में खाने को मिल जाएगा, आपको जो है जानवर भी मिलेंगे, उसका मीट खा सकते हैं आप, उसके अलावा फ्रूट वगैरह खा सकते हैं आप, है ना, और पानी मिलना चाहिए यानी नदी होना चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं, तो ऑक्यूपेशन ये लोग कैसे कैसे किए। तो शुरू में तो ये लोग गैदरर बनते हैं। गैदरर मतलब देखिए, कोई भी इंसान शुरू से ही ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करने में बिलीव करता है, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है, ठीक है। बट जरूरत क्या पड़ जाता है कि नीड्स इतना ज्यादा हो जाता है, नीड इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर लोग क्या करते हैं, बेईमानी करना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो इंसान हुआ ये सबसे पहले गैदर करता था कि इसको भोजन को यानी गैदर करना मतलब चुनना, ठीक है, गैदर करना इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये क्या करता था, कहीं से भी भोजन चुन चुन करके खा लिए, कभी पेड़ से तोड़ के खा लिए। और हम लोग क्या है मतलब पुराने जमाने के जो लोग थे, मानव जो है वो लंगूर का ही क्या है, लंगूर कह लीजिए या बंदर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो उसी का अग्रज है। लाइन चला गया। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो है ना, तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है ऑक्यूपेशन हमने गैदरिंग करना शुरू किया। गैदरिंग यानी इकट्ठा करना, तोड़ तोड़ के खा लिए, रख लिए, मुट्ठी भर रख लिए और खा लिए, उस तरीके से, ठीक है। अब पॉकेट उस जमाने में नहीं होता था कि पॉकेट में रख के खाएंगे, समझ में आया। तो अब क्या है कि ऑक्यूपेशन पहले गैदरिंग स्टार्ट हुआ, अब एक ही जगह सारे लोग रह रहे हैं, सारा फल तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जब फल खत्म हो जाएगा, जब फल खत्म हो जाएगा, फल का स्कार्सिटी हो जाएगा उस लोकेशन पे, ऐसा नहीं कि पूरे पृथ्वी पे ही खत्म हो गया, नहीं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे फल वगैरह या चुन चुन के खाने वाला सामान, नेचुरल जो प्रोडक्ट है इजीली अवेलेबल, वो तो खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद क्या करेंगे लोग, एक दूसरे को मार कर खाना शुरू कर देंगे, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट कौन दिया था कमेंट में बताइए, ठीक है। सुनिए, तो यहाँ पे क्या है कि लोग मारना शुरू कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि अपने से छोटे जीव को मारेंगे, है ना, सबसे पहले क्या होगा, अपने से छोटे जीव को मारेंगे, उसके बाद ना बड़े बड़े जीवों पे वो लोग अटैक करेंगे, तो समझिएगा। तो इस तरीके से फिर वो क्या बन जाते हैं, शिकारी बन जाते हैं, हंटर बन जाते हैं या आखेटक बन जाते हैं, ठीक है। तो पहले गैदरर बनते हैं, फिर आखेटक बन जाते हैं, अभाव में, है ना, रिसोर्स की कमी के कारण, लोग ज्यादा हैं, खाने का सामान कम है, तो मैटर होगा ही होगा, क्योंकि देखिए जीव भी वही खाएंगे, जीव मतलब ऐसे तो इंसान भी वही खाएगा और एनिमल्स, बाकी एनिमल्स जो हैं वो भी वही खाएंगे सामान जो वहां पे अवेलेबल है। अब जब सामान खत्म हो जाएगा तो सभी एक दूसरे से लड़ने लगेंगे और इस तरीके से हंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, हंटिंग का जो शुरुआती दौर था, हंटिंग के ही वजह से, हंटिंग जो कि एक ऑक्यूपेशन है, हंटर गैदरर जो हम लोग बोलते हैं, तो उसके ही वजह से बाद में हम देखते हैं कि टूल्स डेवलप होना शुरू कर जाएंगे। टूल्स क्या होते हैं, औजार, ठीक है, टूल्स के बाद बन जाएगा वेपन, हथियार, ठीक है। तो औजार कैसे क्यों बना, इन्हीं जरूरतों के कारण, ऑक्यूपेशन में, हंटिंग गैदरिंग में कुछ कुछ जरूरत पड़ने लगा, मेनली हंटिंग में औजारों का जरूरत पड़ने लगा, तो लोग जो है अलग अलग टाइप के टूल्स बनाने लगे। पहले जो टूल था वो किस तरीके से ये लोग शिकार करते थे, क्योंकि लोगों के पास उतना दिमाग तो था नहीं, है ना, ब्रेन का भी डेवलपमेंट तो धीरे धीरे हुआ, तो लोग क्या करते थे कि चुपचाप से जैसे पहाड़ पे चढ़ गए, और आपको बता दें पहले साइट देख लीजिए, लोग कहाँ रहते थे, तो हमने कहा कि देखिए नर्मदा रिवर पे, यहाँ देखिए, वेयर डिड पीपल लिव, नर्मदा रिवर के पास। तो नर्मदा रिवर के पास आज से कई लाखों साल पहले ये लोग रहते थे, शुरुआत यहीं से होता है, देखते हैं आगे। देखिए क्यों यहीं रहते थे, पहले समझिए, देखिए लोग हमेशा ऐसा लोकेशन चूज करता था,
आदिवासी आदिमानव लोग हमेशा ऐसा लोकेशन चूज करता था जिसके दो ओर पहाड़ हो, ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही लोकेशन में ये लोग रहता था, जिसके दो ओर पहाड़ हो और बीच से नदी जाती हो। नर्मदा को अगर आप देखते हैं तो नर्मदा के इस साइड विंध्यन रेंज है और नर्मदा के इस साइड सतपुरा रेंज है। इस साइड मतलब नर्मदा के नॉर्थ में विंध्यन रेंज है, नर्मदा के क्या है साउथ में सतपुरा रेंज है, ठीक है। और ये रेंज मतलब पहाड़, पहाड़ों की श्रृंखला को हम लोग रेंज कहते हैं। कई सारे पहाड़ी साथ में मिला दीजिए रेंज, जैसे हिमालय में कई सारे पहाड़ है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, सब है, और सबको एक साथ क्या कहते हैं, हिमालयन रेंजेस, ठीक है, यानी कि हिमालय श्रृंखला, हिमालय श्रेणी ऐसे कह सकते हैं। आगे समझते हैं, तो ये इधर क्या है, ये है विंध्यन रेंज और ये क्या है, तो ये है वो वाला रेंज सतपुरा रेंज, बीच से नर्मदा। तो क्यों ऐसे ही जगहों को ये लोग चूज करते थे उस पे बात करते हैं। देखिए, एक तो आपको क्या मिलेगा, पानी का सोर्स आपको आसानी से मिल जाएगा, पानी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास और क्या होगा, पानी मिल गया। जानवरों से बचने के लिए आप इन नेचुरल केव्स, नेचुरल केव्स मतलब प्राकृतिक गुफा, देखिए प्राकृतिक गुफा कैसा, तो पत्थर का, ठीक है। ये जो माउंटेन केव्स हैं, माउंटेन में कहीं कहीं होता है ना खोखला छेद बना हुआ, ये सब, तो जानवरों से बचने के लिए और बारिश से, एक्सट्रीमिस्ट इन्वायरमेंट कंडीशन से बचने के लिए हम लोग इसमें जाके रह सकते थे। आवास मिल गया, हैबिटेट मिल गया, एक तरीके से समझिए हाउस मिल गया। किनको किनको मिल गया, आदि मानव को रहने के लिए आवास मिल गया, ठीक है, ठीक है। हंटर गैदरर्स को रहने के लिए आवास मिल गया, तो इस वजह से एक तो पानी भी मिल गया, खाने का सामान हो गया। पानी के अगल बगल आप लोग देखेंगे कि हमेशा जहां भी रिवर रहेगा, रिवर रहेगी तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, फर्टिलिटी, वहां का जो सॉयल होगा वो फर्टाइल होगा। इस वजह से उसके अगल बगल जंगल काफी मात्रा में देखने को मिलेगा और जंगलों में ही तो फ्रूट्स वगैरह पाए जाते हैं, जानवर फ्रूट्स सारी चीज पाए जाते हैं, तो वहां से ये लोग गैदर कर सकते हैं। गैदर क्या क्या कर सकते हैं, खाने के लिए भी कर सकते हैं, फ्रूट्स और जो भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी है ना, मूलकंद जो भी खाना हो, है ना, मगर उसके साथ औषधि मेडिसिन एंड हर्ब्स के लिए भी जंगल के प्रोडक्ट्स का अभी भी आदिवासी लोग यूज करते हैं। तो तब तो ये लोग बहुत ही क्या थे, बहुत ही कुशल थे ये लोग, कुशल इन द सेंस निपुण होना, ठीक है, बहुत ही निपुण थे, बहुत ही अच्छे से इन लोगों को जंगल के बारे में पता चल चुका था, इन लोगों को यानी आदि मानवों को। आगे समझते हैं, तो एक तो ये कि यहाँ पे पानी मिल जाएगा, दूसरा जंगल, जहां नदी वहां जंगल, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत सारा मिलेगा, हम आराम से खा सकेंगे, झगड़ा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा फायदा क्या होता था, तो तीसरा फायदा ये कि अगर कभी एक्सट्रीमिस्ट क्लाइमेट कंडीशन आता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन आता है, जैसे बारिश हो रहा है लगातार, हो ही जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नेचुरल केव्स जो है, जो कि पहाड़ में यहाँ पे अगर ऐसे छेद है तो यहीं पे हम घुस के बैठ जाएंगे, ठीक है, और ये मेरे लिए होम मतलब नेचर मेड शेल्टर हो जाएगा, है ना, एक ऐसा घर जो प्रकृति ही हमको बना करके दे देगा, ठीक है। ये हो गया, तो तीन चीज तो यहाँ पे हो गया, फिर जानवरों से बचने के लिए भी हो जाएगा और शिकार करने में भी आसानी होगा। एक बात बताइए, कारगिल के समय में हम लोगों को ज्यादा कैजुअलिटी क्यों मतलब झेलना पड़ा, तो समझिएगा, देखिए वो लोग ऊपर थे, है ना, पहाड़ के ऊपरी इलाका में थे और हम लोग घाटी वाले क्षेत्र में थे, यानी निचला इलाका में। पहाड़ का जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसे घाटी कहते हैं, ऊपर वाले को पिक कहते हैं, ठीक है, चोटी वाला इलाका। तो ऊपर से अगर हम किसी को मारना चाहे तो आसानी से नीचे देख करके और मार सकते हैं, और वही अगर हम किसी को नीचे से मारना चाहे ऊपर देख करके तो उसको मारना मुश्किल है ना, क्यों, एक तो ग्रेविटेशन की वजह से ऊपर जाना मुश्किल है, सामान पहुंचाना, जैसे किसी को ढेला से ऊपर से नीचे से ढेला से मारना है तो ज्यादा मेहनत लगेगा, और हम छत पे खड़े हैं और नीचे कोई खड़ा है और उसको इसके सर पे ईंटा फेंकना है तो हम आसानी से फेंक देंगे, क्योंकि ग्रेविटी भी मदद करेगा, ठीक है। तो लोग क्या करते थे कि पहाड़ पे रहते थे, यानी ऊपरे इलाके पे चढ़ जाते थे और चुपचाप से देखते रहते थे, कोई जानवर जाता था तो बड़ा बड़ा पत्थर हाथ से ढकेल करके उसके ऊपर गिरा देते थे, अगर वो मर गया या चिप गया है ना तो उसके बाद उसको खा लेते थे। तो ये स्टार्टिंग का था, इन लोगों को हंटिंग भी अच्छे से उस समय नहीं आता था, ये नहीं कि सीधे जाकर के अटैक करते थे, क्योंकि फिर अगर मतलब अगर ये लोग सीधे जाकर के शेर बाघ इन सब चीजों पे या किसी पे भी अटैक करते तो पीटे जाते शुरू में, तो इन लोगों ने ऐसा किया। उसके बाद फिर टूल्स में हम लोगों ने देखा क्या कि जैसे ये लोग पत्थर गिराए, पत्थर टूटा, पत्थर अगर जानवर पे गिरा तो पत्थर टूटेगा भी, तो पत्थर टूट गया। अब टूटने के बाद क्या हुआ,
तब उसके बाद इन लोगों ने देखा कि इतना बड़ा बड़ा टूल्स का जरूरत नहीं है, छोटे टूल्स से भी काम हो सकता है उसको खरोचने के लिए, स्क्रेब करने के लिए, स्क्रेब यानी खड़ोचना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसको खड़ोचना, ठीक है, आगे समझिए। हाइड्स को भी वो लोग करते थे, जैसे हाइड्स यानी चमड़ा, एनिमल का जो चमड़ा होता है उसको भी हटाने के लिए खड़ोचते थे, तो उसके लिए भी टूल्स, तो वो वहां पे जो पत्थर का टुकड़ा था ना उसको ये लोग यूज करना शुरू किए खड़ोच खड़ोच के खाने के लिए। बाद में उन लोगों को लगा कि छोटे चीजों से भी जो है, छोटे टूल्स के मदद से भी जो है काम किया जा सकता है, हंटिंग किया जा सकता है। तब आप लोग देखेंगे कि क्या फ्लेक कल्चर स्टार्ट होता है। फ्लेक कल्चर यानी पैनीदार, पैनीदार, पैना समझते मतलब बहुत ही ज्यादा क्या, उसका जो एज होगा बहुत ही पॉइंटेड होगा, हाँ ना, नुकीला, वैसा नुकीलेदार जो है टूल्स बनने लगे, औजार बनने लगे। तो वो वाला जो समय था, वो वाला जो समय था उसे फ्लेक कल्चर कहे। कल्चर क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारा सामान एक जगह पर एक समय में मिला हो तो हम उस सारे सामान को कलेक्टिवली कल्चर कह देते हैं। तो उस जमाने में जो सामान मिला है, ये मीजोलिथिक पीरियड का बात है, तो नहीं मीजोलिथिक पीरियड का ये बात नहीं है, पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल को ही जो तीन भागों में बांटा गया, मध्य पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल मतलब मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, उस समय का बात है, ठीक है। तो समझिएगा, जब वो लोग हंटर गैदरर थे, आपको पता होगा मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड में हम लोग एग्रीकल्चर सीख गए थे, डोमेस्टिकेशन की ओर आगे बढ़ रहे थे, और एग्रीकल्चर के प्रिमिटिव एग्रीकल्चर फॉर्म में थे, और हंटर गैदरर तो हम बहुत अच्छे हो चुके थे उस समय तक। ये बात उस समय का है जब फ्लेक कल्चर आया था, वैसा ऑब्जेक्ट मिलने लगा था जिसमें नुकीला नुकीला टूल्स हो। किस समय ऐसा मिलने लगा था, तो पैलियोलिथिक पीरियड में, यानी पूरा पाषाण काल में ही मिल रहा था, बट पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब अर्ली मतलब सबसे पहला, ठीक है, और उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड यानी मध्य पूरा पाषाण काल, फिर लेटर पैलियोलिथिक पीरियड उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो समझते हैं, तो उस जमाने में हमने देखा कि जो मतलब नुकीलेदार नुकीलेदार जो है क्या आने लगे, टूल्स आने लगे, तो हमने क्या कहा कि फ्लेक कल्चर स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने देखा आगे कि उसको और छोटा बनाया जाने लगा, और बहुत ही छोटे छोटे औजार को, ब्लेड वगैरह टाइप का, उन लोगों को हमने क्या कहा, फ्लिंट कल्चर कहा, ठीक है। अब तो टूल्स का ओरिजिनेट हम क्या कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो टूल्स का जो इन्वेंशन होता है, टूल्स का जो आविष्कार होता है, उसका कारण क्या रहता है, हंटिंग, ठीक है, शिकार, शिकार की ही वजह से टूल्स का क्या हुआ है, ज्यादातर टूल जो बनना शुरू हुए हैं शिकार के ही वजह से बनना शुरू हुए हैं। आगे समझते हैं, तो हमने देखा ये चीज ऑक्यूपेशन में हंटर गैदरर, और ये तो स्टार्टिंग पीरियड में, मतलब अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, पूरा पाषाण काल का जो सबसे पुराना फेस था उसमें। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी तो कुछ कुछ हुआ, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग चले गए, है ना, एग्रीकल्चर यानी फार्मर बन गए, उसके बाद पीजेंट्स वगैरह भी बने, मजदूरी भी करते थे कुछ लोग। उसके अलावा क्या क्या हुआ, तो उसको भी समझते हैं, फार्मर्स बन गए, उसके बाद फिर हमने देखा साइंटिस्ट बने। अब ये साइंटिस्ट क्या होता है, तो देखिए साइंटिस्ट मतलब उस समय जो भी आग खोजा होगा, जो भी पहिया खोजा होगा, तो वो लोग तो साइंटिस्ट हुआ ना, कुछ नया चीज खोज रहा है, तो उस तरीके से हम कह रहे हैं। कुछ लोग फिर आगे देखिएगा धीरे 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 आगे करते हुए फिर फिलोसोफर वगैरह भी बनना शुरू हो गए। कुछ लोग ट्रेवल करने भी लगे, और ये आते आते ये नियोलिथिक पीरियड है, मतलब नौ पाषाण काल अब आ गया है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे महाजनपद पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज है, बहुत सारा ऑक्यूपेशन इन लोगों ने चूज किया, किन लोगों ने, आदि मानव और उसके आगे के मानव ने, ठीक है। और धीरे धीरे ये लोग एडवांस होते चले गए और बहुत सारा चीज चूज करते चले गए, राजा वगैरह भी बनने लगे। आगे समझते हैं, और हमने व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट में हम जान सकते हैं पुराने सामान को देख करके कि ये लोग क्या खाते थे। अब जैसे कि देखिए, जैसा कि ऑक्यूपेशन से पता चलता है, जैसा कि ऑक्यूपेशन से पता चलता है कि ये लोग क्या थे, हंटर गैदरर थे, तो यानी फ्रूट्स वगैरह खाते होंगे। उसके अलावा ये लोग क्या करते थे, तो रोटी में फ्रूट्स वगैरह, और हंटर भी थे, गैदरर भी थे, तो गैदरर थे, अब हंटर थे, तो इसका मतलब ये हिरण वगैरह खाते होंगे, है ना, हिरण खा जाते होंगे। और वैसे कहा जाता है भेड़ बकरी ये लोग पालते थे, डोमेस्टिकेशन भी करते थे। अब आपको बताते हैं कि फूड्स में क्या क्या होता है। तो देखिए, फूड को स्टोर करना करेंगे ना, एक ही बार में हम लोग सारा नहीं खा सकते हैं, तो दो तरीके का फूड होता है। एक तो क्या करेंगे, हम जो फ्रूट्स वगैरह होता है उसको हम क्या कर लेंगे, गैदर कर लेंगे, अपना पोटली बांधेंगे और पोटली बांध के चल देंगे,
ठीक है, एक ही जगह पे अधिमान तो रहते नहीं थे, बंजारा टाइप पीपल होते थे, यानी घूम घूम के रहते थे। कारण कई होते थे, घूमने के कई कारण होते थे। यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं कहीं तो व्हाई डू पीपल ट्रैवल, हम उसमें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है कि रोटी है, तो अब इसमें कई तरीके से, जैसे कि हम मांस मीट खा सकते हैं, उसके अलावा क्या खा सकते हैं, तो फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। अब मीट जो होता था, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड एनिमल, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व होता था, सबसे इंपॉर्टेंट संग्रह होता था। किस चीज का? फूड का, भोजन का सबसे मुख्य संग्रह। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजर्व ऑफ फूड कौन होता था? एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल एनिमल। जैसे देखिए, लोगों ने डोमेस्टिकेशन जब शुरू किया, डोमेस्टिकेशन मतलब जानवरों को पालतू बनाना जब शुरू किया, तो सबसे पहले तो पालतू बनाया गया कुत्ता को, बट उसका उतना यूज नहीं है, कुत्ता से दूध हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट्स के तौर पर नहीं, क्योंकि वो बहुत फैमिलियर था, तो इसीलिए वो रहने लगा साथ में। बट उसके अलावा हमने सही में डोमेस्टिकेशन एक तरीके से अपने बेनिफिट के लिए किसका डोमेस्टिकेशन किया, तो भेड़ और बकरी का, शिप एंड गोट का। अब इन लोगों के साथ हम लोग क्या करते थे कि इनको साथ में लेकर के घूमते थे, तो एक बकरी दो बकरी आया, उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन होगा, चार बकरी छह बकरी ऐसे होता जाएगा। अब कभी ऐसा हुआ कि खाना नहीं मिला, यानी फ्रूट सड़ गया, या फिर मिला ही नहीं, खत्म है, या फिर सूखा आ गया, जिस वजह से जो जंगल है उसमें कुछ फल वगैरह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इन्हीं बकरियों में से किसी एक को खा जाएंगे मार करके। तो जो एनिमल थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व थे किसके? फूड के। ठीक है, और वो हमेशा फ्रेश रहते थे क्योंकि वो जिंदा है, और जब मतलब कभी भी उसको स्टॉक करने का जरूरत नहीं पड़ता था। लाइव स्टॉक को स्टॉक करने का मतलब, लाइव स्टॉक यानी पशु, बस पशुओं को एक तरीके से इकट्ठा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज का जरूरत नहीं था, बस उनको अच्छे से रखो, वो जिंदा रहेंगे, वो आराम से अपना चलते फिरते रहेंगे, और जब भी आपका भूख लगे, आपको मतलब स्कार्सिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज हो, कम पड़ जाए फूड, तो आप मार के खा सकते हैं। तो इसलिए भी आदिमानव या आप कह लीजिए कि पैलियोलिथिक पीरियड और मेजोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड के जो लोग थे, उन लोगों ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया। हालांकि पैलियोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन नहीं था, मेजोलिथिक से स्टार्ट हुआ है, आज से 8000 साल पहले स्टार्ट होता है मेहरगढ़ में, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे रोटी से आपको पता चल गया कि क्या क्या होता है। इसके अलावा खेल कूद में, जैसे ये लोग क्या करते थे, वही मछली पकड़ना ये सब और बाकी चीजें, और पेंटिंग बनाना इन लोगों को बहुत पसंद था, हंट करना बहुत पसंद था। ऐसा माना जाता है, हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि हंट करना, केवल खाने के लिए ही हंट नहीं करते थे ये लोग, खेलने के लिए भी करते थे। कभी बोर हो रहे हैं तो चलो हंटिंग पे निकलते हैं, देखो कौन कितना मार के लाता है। ठीक है, तो ये सारा इनका खेल कूद था, ये भी इससे पता चलता है। कैसे पता चलता है? तो पुराने सामान को देख करके। आपको पता होगा भीमबेतका एक केव है, एक गुफा है नर्मदा के पास, नर्मदा घाटी में है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे ना आदि मानवों द्वारा निर्मित एक चित्र है, पेंटिंग मेड बाय वो मतलब पीपल ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, वहां पे है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या दिखाया है कि एक कोई जानवर है और उसको एक इंसान इस तरीके से मार रहा है, ठीक है, कुछ कोई टूल से मार रहा है, तो इसका मतलब उससे पता चलता है कि ये लोग काफी अच्छे हंटर थे, और ये खाने के लिए भी हंट करते थे, खेलने के लिए भी हंट करते थे, मछली वगैरह भी जो है लड़वाते वगैरह थे, ये सारा चीज करते थे। तो इस तरीके से हम लोग खेलकूद के बारे में भी जान गए। अब बात करते हैं वेयर डिड पीपल लिव, ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, इस पे बात करेंगे। देखिए, हम बता चुके हैं कि लोग कैसा लोकेशन चूज करते थे, जहां पहाड़ भी हो, जहां पानी भी हो, दोनों चीज होना चाहिए। तीन फायदा होता था, वो भी बताए हैं, क्या क्या फायदा होता था। पानी मिलेगा तो जल का कभी नहीं होगा, यानी वाटर रिसोर्सेज का कोई भी मतलब लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज नहीं होगा, स्कार्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज नहीं होगा। जहां पानी वहां पे फर्टिलिटी ऑफ लैंड ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर भी अच्छे से होगा, और फ्री का भी खाने को मिलेगा, मतलब अगर चाहे तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है, है ना, फील्ड में जाकर के एग्रीकल्चर करेंगे, और चाहे तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली ही फल फूल निकलता रहेगा, हम उसको तोड़ तोड़ के भी खा सकते हैं, गैदरर्स भी बन सकते हैं, ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। उसके बाद क्या मिलेगा, तो केव है, केव के ऊपर चढ़ के हम आसानी से हंट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर एरिया में रहेंगे, जानवर नीचे एरिया में रहेगा। जानवर से बचने के लिए हमको मतलब नेचर मेड शेल्टर मिल जाएगा, यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित आवास मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नेचुरल केव है, प्राकृतिक गुफा है। आगे समझते हैं, इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये सारा फायदा तो है ही है। इसके अलावा टूल्स बनाना आसान हो जाएगा, पत्थर के औजार, इसीलिए तो उस समय का नाम पाषाण काल पड़ा, क्योंकि उस जमाने में सबसे ज्यादा जिस एलिमेंट का यूज होता था, जिस एलिमेंट ना कह के आप कह लीजिए, जिस ऑब्जेक्ट का यूज होता था, वो क्या था, पत्थर था।
ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम पाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड पड़ा। अच्छा, पैलियो मतलब पुराना और लिथिक मतलब पत्थर, लिथ मतलब पत्थर होता है, इसी से लिथोस्फेयर आया। आगे समझते हैं, तो यहाँ पे एक चीज हो गया। अब टूल्स भी आसानी से हम लोगों को मिल जाता था, टूल्स आसानी से मिल जाता था। तो एक तो यहाँ पे आपका घर हो जाएगा हाउस, और यही आपका फैक्ट्री, फैक्ट्री यानी जहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे साइट को हम लोग कहते थे कि हाउस कम फैक्ट्री साइट, ठीक है। चलिए, तो ये इस वजह से हम लोगों ने नर्मदा को चूज किया था। नर्मदा को क्यों चूज किया था, तो इसी वजह से। तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं गए, तो बाकी जगहों पे भी लोग रहते थे, बट पहले इन्हीं जगहों को, इसी जगह को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसीलिए मिला था क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था ना, वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म था और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा था। अगर हम नर्मदा के ऊपर चले जाते तो ग्लेशियेशन पीरियड चल रहा था, यानी हिमालय बन रहा था उस समय, तो हम लोग वहां नहीं रह सकते थे, बहुत ज्यादा ठंडा था। और अगर हम नर्मदा के नीचे चले जाते, नीचे यानी डेक्कन प्लेट्यू के साइड, तो वहां पे तो अभी भी गर्मी रहता है, उस समय भी गर्मी रहता था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बढ़िया क्लाइमेटिक कंडीशन हम लोगों को मिला विथ दीज ऑल, मतलब ऑल दीज थिंग्स, ये पहाड़, पानी सब, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी थोड़ा ढंग का, ये हमको नर्मदा के पास ही मिला, तो हम लोगों ने नर्मदा को चूज किया। अब बात करते हैं कि सबसे पहली बार, हाँ सबसे पहली बार जो मानव एग्रीकल्चर कहाँ शुरू किया, इसको समझेंगे और देखेंगे कि देखेंगे हम लोग कि मानव ने किसको चूज किया एग्रीकल्चर वगैरह के लिए। चलिए यही के समझते हैं। देखिए, एक यहाँ पे है सुलेमान। सुलेमान क्या है, एक रेंज है, पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे है सुलेमान, जैसे ये देखिए इंडिया इस तरीके से है, इधर इंडिया और इसके इधर पे पाकिस्तान ही है, ठीक है। तो हम लोग पाकिस्तानी इलाके में गए हैं, ठीक है। सबसे पहली बार एग्रीकल्चर पाकिस्तान में ही हुआ, ठीक है। देखिए सुलेमान, सुलेमान इस साइड है, एक रेंज है, पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है। किरथर ये इस साइड है, ये भी एक पहाड़ है। तो इन दो रेंजेस के बीच में, इन दो रेंजेस के बीच में हमने देखा एक साइट डेवलप हुआ, साइट यानी एक प्लेस डेवलप हुआ, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहली बार एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। अब ये जो एग्रीकल्चर था, ये जो खेती था, ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ खेती था। प्रिमिटिव मतलब ये अपने से नहीं किया गया था, मतलब ये कोई बहुत ही एडवांस लेवल का खेती नहीं था, ये बस ऐसे ही बच्चा जैसा खेती था। जैसे कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, बच्चा लोग क्या करता है, खाता है, खाने के बाद कोई चीज जा करके, जैसे पपीता है तो पपीता खा लिया, उसके बाद जो उसका सीड्स बचा हम उसे छीट दिए। तो छीटने के बाद अगर वहां पे पपीता अगर उग गया, तो क्या हम बहुत ही मतलब बहुत बड़े काबिल फार्मर हो गए, नहीं। इसका मतलब है कि हमको फार्मिंग नहीं आता है, बट हम प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना, कुछ उगा रहे हैं, कैसे, सीड्स को ऐसे ही फेंक करके, छीट करके, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज देखने को मिला मेहरगढ़ में। अब मेहरगढ़ में ये चीज जो देखने को मिलता है, अब हिस्टोरियंस इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या कि क्या लड़की करता था, मतलब लड़की करती थी या लड़का लोग करता था, ठीक है, क्या लड़की लोग करती थी ये एग्रीकल्चर का काम या लड़का लोग करता था। तो इस पे कोई कोई नहीं जानता है, हो सकता है दोनों मिल करके करते हो सकता है अलग अलग करते हो, बांट के करते हो, बट यहीं पे मेहरगढ़ में सबसे पहली बार एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला जो आपका प्रोडक्ट आता है वो कौन आता है, व्हीट एंड बार्ली, यानी गेहूं और जौ। जौ के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जौ को प्रीवैदिक पीरियड में क्या कहते थे, जरा कमेंट करके बताइए नीचे। हाँ, तो जौ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो जौ के बारे में ये सबको ही जानता है कि काफी आसानी से उग जाता है, वो उतना पानी की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें तामझाम नहीं है। तो जौ और उसके बाद गेहूं, यही दोनों उगाया गया था यहाँ पे, बट जो एग्रीकल्चर का फॉर्म था, लोग बहुत बड़े वाले काबिल वाले किसान नहीं थे, ये लोग प्रिमिटिव फॉर्म थे, यानी नया नया, है ना, प्रोटो फॉर्म ऑफ किसान थे, है ना, बच्चा किसान, है ना, जिसके पास उतना नॉलेज नहीं है, नौसिखिया किसान थे। आगे समझते हैं, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं साइट कैसा चूज किया है ये लोग, दोनों ओर से पहाड़, बीच में पानी, है ना। अब आप बताइए पानी हम कह रहे हैं कौन सा रिवर यहाँ पे होगा, तो आप लोग सुने होंगे सुतकंगेडोर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में दस्क नदी, ये सब, है ना, मकरान कोस्ट यहीं पे है ना, मकरान कोस्ट, वादरपुट, ये सब चीजें। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे भी पानी की अवेलेबिलिटी थी और पहाड़ भी था, तो इसी लोकेशन को इन लोगों ने चूज किया और एग्रीकल्चर यहीं पे सबसे पहली बार फ्लरिश हुआ, आज से 8000 साल पहले। तो ये तो हो गया पाकिस्तान का बात, हमारे यहाँ कब हुआ, पहले तो ये पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया और उससे पहले अखंड भारत, ठीक है, इंटीग्रल इंडिया। बट बात करते हैं कि आफ्टर 1947 की हमारे यहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चर फ्लरिश किया, तो इसको समझते हैं।
देखिएगा, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ जो फ्लरिश किया बाबू वो नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट आप लोग बताइए कि सेवन सिस्टर्स कौन कौन से हैं। सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्य असम वगैरह जो है, सिक्किम, असम, सेवन सिस्टर विथ वन ब्रदर ऐसा कहा जाता है। नीचे कमेंट में बताइए और हम उसको जब हम ज्योग्राफी का क्लास लेंगे तो हम उस समय भी बताएंगे। तो समझते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट जो है इधर यहाँ पे मेघालय में गारो खासी जयंतिया करके पहाड़ी है। तो गारो खासी जयंतिया का जो गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी जो है वहां पे आपको क्या मिलता है, एग्रीकल्चर डेवलप करता है इंडिया में, ठीक है। और विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज कहाँ है तो आपको पता होगा कि बिहार के कैमूर रेंज से लेकर के और गुजरात के राजपिपला तक, ठीक है, राजपिपला पहाड़ी तक विंध्य की पहाड़ी है। विंध्याचल नाम का एक धार्मिक स्थान इसी विंध्य की पहाड़ी पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये विंध्यन रेंज इसी को कहते हैं। तो विंध्यन रेंज के उत्तर में यानी नॉर्थ में यानी यूपी साइड में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर फ्लरिश किया, ठीक है, एग्रीकल्चर फ्लरिश किया यहाँ पे। तो ये हो गया कि एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पे आया, हमारे इंडिया में, और सबसे पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पे आया तो वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, सुलेमान रेंज और किरथर रेंज। सुलेमान किस साइड है, भारत के साइड, जैसे भारत का ये बाउंड्री है ना, तो सुलेमान इधर है और किरथर दूर है, अफगानिस्तान के साइड पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में ही मेहरगढ़ आया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कि हमारे यहाँ कब एग्रीकल्चर कहाँ डेवलप किया, तो इधर ही गारो, गारो हिल्स में। गारो हिल्स जो कि कहाँ है, मेघालय में है। मेघालय में तीन तीन पहाड़ी है, गारो खासी जयंती है तो उसी के गारो हिल्स में। इसके अलावा विंध्यास, तो विंध्यास जो है ये रहा, ठीक है, विंध्यास के नॉर्थ में डेवलप हुआ। थोड़ा सा टाइम देख लेना था बाबू, देखिए अगर वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा ना तो हम उसको दो तीन पार्ट में कर देंगे क्योंकि फिर बोर हो जाइएगा आप लोग, तो देख लेते हैं थोड़ा। 31 मिनट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम ये गारो हिल्स वाला समझा दिए कि वेयर डिड पीपल लिव। इसके बाद ग्रोथ ऑफ ट्रेड जो है कि कैसे कैसे ग्रोथ ऑफ ट्रेड हुआ, कहाँ कहाँ पे फ्लरिश किया सिविलाइजेशन, धीरे धीरे आप लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन आने वाला है। नगरीकरण यानी कि क्या बोलते हैं, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन आने वाला है, फिर वैदिक एज, ये सब हम उसको लेकर के आगे चलेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। अब आप लोग को अगर ये चैनल ढंग का लगा हो, मतलब फायदेमंद लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी त्रिपिटक। और उसके अलावा हम बता रहे हैं कि अगर आपको वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना है तो इसके साथ साथ आप एक चैनल त्रिपिटक है ना, वो ऐसा है जिसपे हम पीवाईक्यू करवाएंगे और वनडे एग्जाम से रिलेटेड यानी रट्टू वाला जो क्वेश्चन है वो सब ज्यादा समझाएंगे उसपे, ठीक है। तो आप उस त्रिपिटक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस एनसीईआरटी त्रिपिटक को तो पक्का कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए है शुरू में ही बता दिए। चलिए, थैंक यू।